नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। इस बारिश की वजह से कहीं सिग्नल मिस ना हो जाए। क्या बात है, ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है। डैडी चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कंप्यूटर क्लास जा रही हो? कराटे क्लास। ये क्या है पल्लवी, लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए। ये मार्शल आर्ट किस लिए बेटा? टाइगर हिरन को, सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है। इस साड़ी में तुम एकदम परी लग रही हो। मेरे गालों को छूने के लिए बेताब हो जा रही हो। तुझे क्या लगता है, तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या? ऐसे गुस्से में जब लड़कियां घूर के मुझे देखती हैं, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तू सच में मुझे मारना चाहती है? बोलना। एग्जैक्टली एक महीने बाद इसी दिन इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी। अब मैं अपना चैलेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूँ। मॉम देखा आपने, सुन लिया? आजकल ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। तुमने कभी मेरी बात सुनी है क्या? हाँ? तुम सही कर रही हो बेटी। क्या लगती है यार, ये कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग गणेश। हाँ? अरे बाप रे, इसको तो मेरा नाम भी पता है। मैं सब जानती हूँ गणेश। हाँ? तुम हर पल सीसीटीवी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना। अरे बाप रे, मैं इसको देखता रहता हूँ, ये भी इसको पता है। एक बात बताओ, मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है? लव का लॉजिक क्या होता है? आई लव यू सो मच गणेश। अरे बाप रे, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले इसने मेरा लव एक्सेप्ट कर लिया। अरे गणेश तेरी तो निकल पड़ी यार। बाय गणेश। ओ तेरी, ये तो उस गणपति बापा को बोल रही थी, इस गणेश को नहीं। शे, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं, पहले ही ब्लॉक कर दिया। अरे आ गई। गुलाब के फूल के लिए कांटे का जख्म तो सहना ही पड़ेगा। ओके मैडम, आप जाइए। लग जा पीछे। आईडी है क्या? वोटर आईडी भी है मेरे पास। अंदर वोटिंग नहीं, फाइटिंग चल रही है, जाना है क्या? अरे बाप रे, मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के लिए लड़ाइयां लड़नी होंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ जाओ। एक बार देख कर आ जाता हूँ भाई। तूने बैंडेज लगाया ना, चल तू खा। अरे बाप रे, ये गणेश वापस क्यों आया? मुझे देख कर साला अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह, लगता है चला गया। अच्छा उसने देखा नहीं, आज नहीं तो अरे भाई गणेश कब आया तू? मैसेज भेजा था, पढ़ा नहीं? मैसेज पढ़ा इसीलिए तो रिसीव करने नहीं आया। मुझे देखकर मुंह क्यों छुपा रहा था? अरे नहीं, मेरा सिक्का गिर गया था, उसी को ढूंढ रहा था। चवन्नी की अकल यूज करना छोड़ और ये बता यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ मैं ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा हूँ। तूने मुझे बताया नहीं यार। अरे बचपन में तेरे पैर पे पट्टी बांधी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन तू भाग गया और मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। एक बात बता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे ढूंढते ढूंढते आया है? अभी मैं तेरे लिए यहाँ नहीं आया हूँ, एक कन्या अंदर गई है ना, उसके लिए आया हूँ। मैं बच गया। अच्छा उसने तुम्हारी क्या हेल्प की? अबे उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की। हाँ, लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए और जब से मैंने उसे देखा है, हाँ, मैं उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा हूँ यार। तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी। नेगेटिव फेलो, वो मेरे दिल की प्यास है। और सीनो तुम पानी की बोतल की तरह है, मेरी मदद कर दे भाई। फिर से मदद? हे, तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मुझसे चिपक जाएगा। ये मुझसे नहीं होगा, तू किसी और को पकड़ ले। ठीक है, मदद मत कर, अंदर जाने का रास्ता बता। ये कोई पार्क नहीं है जहाँ कोई भी अंदर जाए, ये इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बना दे, सभी सीट पहले से ही फुल हैं। तो कोच की नौकरी दिला दे, उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर मैं एमडी बन जाता हूँ। एमडी बनना कोई खाने की चीज है? तो ऑफिस बॉय बना दे यार। तो फिर मैं क्या करूंगा? अस्पताल जाकर इलाज करा। बचपन में तुझे चोट लगी थी तो मैंने तेरे पैर पे बैंडेज लगाया था, आज तूने मेरे पूरे शरीर पे बैंडेज लगवा दिया। अबे तेरा बैंडेज ही मेरे लव के लिए एडवांटेज है, तूने मेरे लिए इतना किया वही काफी है। क्या कहा, सच्ची मुच्ची? कभी तू वन पीस सीनू हुआ करता था, मगर आज तू टूटा फूटा मगर अलग सीनू है। ओ तेरी, ये आडा टेढ़ा किंग कॉन्ग की शक्ल वाला कौन है? यही है, यहाँ का इंचार्ज और ऑफिस का मैनेजर भी। अगर इसे तूने मैनेज किया तो मेरे साथ रह पाएगा। ये ऑफिस बॉय टी लाने के लिए उठी चला गया क्या? चल चल इसकी टोपी उतार।
ये तुम मम्मी के डमी कैसे बन गए? अबे बाकना। आपका सर्विस फास्ट करने के लिए मैं सर्विस ऑटो में बैठा था। बैठने के बाद पता चला कि ड्राइवर फुल टू नशे में है। उसने ऑटो को डिवाइडर में चढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर डैमेज हो गया। मतलब तुम अभी आउट ऑफ सर्विस हो, तो फिर यहाँ काम कौन करेगा? मैं कर लूंगा सर। तुम कौन हो भाई? इसका फ्रेंड हूँ सर, मैं हूँ गणेश। लोगों की तकलीफ करता हूँ लेस। बढ़ाया तकलीफ लेस करने। पर तुम ऑफिस बॉय कम काऊ बॉय ज्यादा लग रहे हो। काऊ के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बॉय ऐसा कहा था। तुम तो पंच बहुत अच्छा मार रहे हो, काम भी अच्छा करोगे ना? हां ऐसा करूंगा सर कि आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये कुछ ओवर ही करेगा। रेंज रोवर हूँ सर, स्पीड थोड़ी ज्यादा। इसका काम तू क्यों करना चाहता है? इसका पेट्रोल खत्म हो गया है सर। इसका एक्सीडेंट हुआ तो मदद तो करूंगा ना। काम चोर दोस्त तो कई बार देखे हैं, पर दोस्त के लिए काम करने वाला दोस्त मैं पहली बार देख रहा हूँ। धन्यवाद सर, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत क्लीन है। यहाँ सब कुछ क्लीन कर दूंगा, एक बार छूने तो दीजिए। हाँ, कर दो। ये कहाँ है? आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते। लेट्स गो। लॉरी के सामने तो ये नींबू है और ये लॉरी को खींच के ला रहा है, कुछ तो झोल लग रहा है। ए, मास्टर के बारे में तू नहीं जानता, एक दिन मास्टर ने मालगाड़ी रोक लिया था। फिल्मी तकनीक से मालगाड़ी क्या प्लेन को भी रोक सकते हैं? क्या मतलब है तेरा, ये फिल्मी तकनीक है? बिल्कुल हॉलीवुड वाली। अब ये एकदम अलग टाइप की एंट्री करेगा, जैसे हीरो करते हैं। अब ये क्या कर रहा है? इसको तो मास्टर बोल रहा है, ये तो रिंग मास्टर लग रहा है। मास्टर, इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे रोक लिया? अरे बाबू, ये तो मुझे कोई भैंस चरवाने वाला लग रहा है, इसे तो मैं चारा खिला खिला के मारूंगा। बाप रे, ये लड़की इतनी छोटी सी बात पे ऐसा रिएक्ट कर रही है। जब मैं चाइना में था तो एक मार से चाइना की वॉल को गिरा दिया था। उसके बाद वहाँ मेरी मूर्ति बन गई और दीवार फिर से बनाई। या आपको देखकर तो सुपरमैन शर्मा जाएगा और बैटमैन डर जाएगा, कॉमन मैन तो मर ही जाएगा। अपनी इस प्यारी फीलिंग को अपने दिल में ही दबा के रखो, एक्सप्रेस मत करो बेबी। मास्टर, मैंने आपका परफॉर्मेंस डीवीडी में देखा है, लाइव कभी नहीं देखा। लाइव में अगर एक बार लाइव देखने मिल जाए तो। ये छगन रोमियो कुछ नहीं कर पाएगा। तुमको तो कुछ आता नहीं, इन लोगों को भी कुछ नहीं आता। यहाँ किसी को कुछ नहीं आता, हम जो बताएंगे वही कुंग फू कराटे ताइक्वांडो मार्लिन ब्रांडो। मटेरियल है नहीं और दुकान खोल के बैठा है। तेरी दुकान को अभी बंद करता हूँ। आजा आजा, परफेक्ट। किसे बैटिंग करने का शौक है? ये नया लड़का ऑफिस बॉय है मास्टर। क्यों भाई, क्लीनिंग करने आए हो या फिर बैटिंग करने आए हो? बैटिंग करने के बाद चैटिंग क्यों कर रहे हो? बाहर भेजो इसे। अभी के अभी नया ऑफिस बॉय कहाँ से मिलेगा मास्टर? मास्टर, आपको भी पेन होता है? एन पूछते हो, अगर सही जगह लगे तो ब्रूस ली को भी पेन हो जाएगा। डंडा पकड़ना भी आता है क्या तुम्हें? आता है सर, लेकिन डंडा गलत जगह पड़ता है ये नहीं पता था सर। अरे तुम लोग डिस्कशन बंद करो और पहले से रूल रेगुलेशन बताओ। ओके मास्टर। मास्टर जी, हमारी क्लास का दिन खराब हो जाएगा। आज का दिन खराब है, आज की क्लास कैंसल। मास्टर, आज तो आप लेग मूवमेंट सिखाने वाले थे ना? वन वीक तक नो मूवमेंट। गुड रनिंग मास्टर, नाइस मीटिंग यू। ए मिस्टर, भेजा नहीं है क्या? मेरा भेजा फ्राइंग पैन पर रखा हुआ है। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या हम लोग भेजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? तुमने क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया? अरे क्लास को छोड़िए हुजूर, आपका फिगर एकदम क्लासिक है। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो, यही है ना आपके एक्सप्रेशन का मतलब? दोनों ही क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टूपिड इडियट, गाली दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो देखो गणेश, तुम इसे जल्दी से सजा दे दो। ये सुधर गया तो माफ कर देना, पर ये याद रखना कि इसने मुझे हर्ट किया है। सुन लिया ना? सुना वाली के। शट अप। बैरागी का आदमी हूँ, तेलंगाना का रहने वाला। कितने का ये पैकेट? 10 रुपए का भाई। चल निकल। लेकिन क्यों भाई? बैरागी का आदमी हूँ। देर से पूछता है क्यों? भाई देता हूँ। ये लो भाई। क्या हो सुदर्शन रेड्डी? नमस्ते भाई। चल रहा ना भाई? ए, मेरे सामने सिगरेट जलाता है रे। ए, लाइटर निकाल बे। अबे ऐसा घूरता क्या है रे बे? आंख निकाल के ऑमलेट बना दूंगा। मैं कौन हूँ पता नहीं है क्या रे?
ये बॉस लाइटर मेड इन चाइना है क्या? सिगरेट भी तेरी, धुआं भी तेरा, पी ले। ऐसे क्या घूर रहा है बे? अबे बाइक के साइलेंसर में तलवार छुपा के रखा है क्या बे? क्या समझता है मैं डरूंगा? बैरागी का आदमी हूँ, डरूंगा नहीं रे। हो गए बटाई, चल रे चल, ए चल रे आगे हफ्ता लेने का। ये रेड वाइन पी। अरे गणेश तू हमेशा मुझे यही क्यों पिलाता है? बचपन में जब मेरा गला सूख रहा था तो तूने अंगूर का जूस पिलाया। 20 साल बाद उसका क्या होगा? वो सड़ जाएगा। यस, सड़कर उसका वाइन बनेगा। अगर इसे पियोगे तो चेहरा शाइन करेगा, उसके बाद किसी लड़की से लाइन क्लियर हो जाएगा। तेरा कर्जा इसी तरह चुका रहा हूँ। ये कर्जा नहीं है भाई, धोखा है। चुप है, तुझे धोखे और दोस्ती के बीच का फर्क ही नहीं मालूम है। वाइन पी ले, समझ में आएगा। नहीं यार, मैं इसे नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। देखा, समझ गया ना? अरे यार वो अपने मैनेजर के जैसा दिख रहा है ना। मैनेजर जैसा नहीं, मैनेजर ही है, ध्यान से देख। जल्दी व्हीलचेयर पे बैठ। चड्डी पहन के यहाँ घूम रहा, पिया हुआ लग रहा है। तू अभी तो यहाँ बैठा था ना, आपने पी रखी है ना? अरे बाप रे, इनको कैसे पता चल गया तू ऑफिस बॉय होकर दारू पी रहा है यहाँ पर? सिर्फ मैनेजर ही पी सकता है, ऐसा कोई रूल है क्या? सिर्फ यही रूल नहीं, रूल्स की पूरी लिस्ट है यहाँ पर। ये लिस्ट है या एवरेस्ट का पहाड़? इतना बड़ा होता है कहीं? हाँ होता है। ओए इतनी कवरिंग मत कर, इस कुंग फू पांडू कराटे स्कूल में काम करने के लिए इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पकड़, बोतल दे। ये लो बचा हुआ माल। इस लिस्ट से मास्टर की लाइफ की मैं बैंड बजा दूंगा, अपनी डार्लिंग को अपना बना लूंगा।